जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश सर आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बिहार पुलिस 8415 वैकेंसी को लेकर के जो एग्ज़ाम हुआ था 14 मार्च और 21 मार्च को, 14 मार्च और 21 मार्च को दो पालियों में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका कट ऑफ को लेकर के यह लेटेस्ट वीडियो मैं आपको आपके लिए लेकर के आया हूं। और इसमें मैं बताने वाला हूं कि कितना नंबर आपका होगा ताकि आप जो प्रोफेंसी टेस्ट है उसको क्लियर कर सके, यानी कि आपको रिटर्न पास करने के लिए कितना मिनिमम नंबर चाहिए इसकी बात करेंगे। और मैं लिखित में आपको कह सकता हूं कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इंतजार खत्म, इतना ही जाएगा कट ऑफ, ये बात आप जान के चलिए। जैसे कि अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल में अगर 65 क्वेश्चंस आपके सही हुए होंगे तो आपके डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी ईबीसी अगर हैं तो आपका ये मान के चलिए 60 प्लस पे हो जाएगा। एससी एसटी अगर है तो वह 55 प्लस पे हो जाएगा। अगर हम वुमेन कैंडिडेट की अगर बात करें तो वुमेन कैंडिडेट जनरल में 60 प्लस और ओबीसी और ईबीसी में 55 प्लस और ये एससी एसटी में आप 45 प्लस पे इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं एक टीचर हूं। हमने कई सारे बच्चों को पिछली बार भी बिहार पुलिस में हमारे कई सारे बच्चे सक्सेस हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन पेपर के अगर लेवल को देखा जाए तो इसका लेवल बहुत ही हाई था। जैसा कि कॉन्स्टेबल के लेवल में यूपीएससी बीपीएससी के क्वेश्चंस डाल दिए गए थे, जिसको लगाना एक टीचर के लिए भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा था कि विद इन द टाइम अगर वो 60 प्लस अगर कर रहे हैं या 70 प्लस कर पाते तो वो भी बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए सबसे सटीक यही कट ऑफ जाने वाला है, इससे अधिक कभी नहीं हो जाएगा। और ये बात आप लिख करके मान करके चलो कि अगर जिस बच्चे को इतना नंबर अगर आ रहा है वो सारे बच्चे फिजिकल की तैयारी में लग जाए, और फिजिकल जो एग्जाम डेट है ये आपका अगस्त में होगा। तो चलिए इन कटअप पे जरूर रखिएगा ध्यान। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।